जालौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में रविवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भीनवाल में जन आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने कांग्रेस का गारंटी शब्द चुरा लिया है और कांग्रेस के तर्ज पर गारंटी देने लगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आम जन से वादा किया था कि काला धन वापस लाया जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 15-15 लाख रुपए टैक्स पेयर्स के खाते में आएंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी, लेकिन हकीकत में इनमें से एक भी वादा मोदी जी पूरा नहीं कर पाए। उनकी सारी गारंटियां खोखली बातें हैं, झूठे वादे हैं। इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीतियां सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों के लिए हैं। आपने अभी कहा जमीन बेचते हैं अगर जरूरत पड़ती है, आपने कहा किसी की शादी होती है जमीन बेचनी पड़ती है या कर्ज लेना पड़ता है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक बड़े अरबपति के बेटे की शादी हुई, आपने देखा होगा कि किस धूमधाम से शादी की। ठीक है, बुरी बात नहीं है, जिसको जैसा करना है करे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना पैसा इसलिए है इन लोगों के पास क्योंकि मोदी जी ने इनके कर्ज माफ किए हैं, 16,000 करोड़ रुपए के इनके कर्ज माफ किए हैं। अब आप सोचिए, 16,000 रुपए का कर्ज था, माफ किया गया, और जो किसान सड़क पे बैठा हुआ अपना हक मांग रहा था, जो किसान 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है, जो किसान कर्ज में डूब रहा है, उसका कर्ज माफ करने की बात ही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर वार किया। गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, ईडी सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंदे के धंधे का खुलासा हो चुका है, कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों तक को केंद्र की भाजपा सरकार ने नहीं छोड़ा। गहलोत ने कहा है कि वैभव ने प्रण लिया है कि जालौर लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को दूर किया जाएगा, यहां के लोगों की ट्रेन पानी आदि की जो समस्याएं हैं उसे सभी कांग्रेस मिलजुल कर दूर करेंगे। चुनाव के बाद भी मेरा और वैभव का यहाँ से रिश्ता कायम रहेगा। उन्होंने 26 अप्रैल को वैभव को समर्थन देने की अपील की है। एनडीए गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैंपेन चला रखा है, उम्मीदवार का कोई नाम नहीं है, वहाँ पर पार्टी का नाम भी पीछे हो गया और मोदी जी अपने नाम से वोट मांग रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है देश के लिए। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद के वक्त में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिया है संविधान के माध्यम से। ये संविधान को ही बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, इसीलिए आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गए, ईडी भेजो और बॉन्ड मंगाओ, ये स्थिति आ गई। तो जो हालात देश में बने हैं उनको समझना पड़ेगा हम सबको, किस प्रकार के हालात हैं, कौन पार्टी आपकी हितैषी है, देश को एक रख सकती है, अखंड रख सकती है। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने कहा है कि यहां 20 साल में भाजपा सांसदों ने जालौर, सांचौर, सिरोही की जनता की उपेक्षा की है, यही कारण है कि यहां की जनता आज भी पानी, ट्रेन और एयरवेज कनेक्टिविटी, रोजगार, व्यापार के मामले में परेशानियां झेल रही है। उन्होंने आम जन को भरोसा दिलाया है कि वे जनता की छोटी से छोटी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे, ये उनकी कर्म भूमि है और ये वे यहाँ की जनता के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े नजर आएंगे।